हेलो एस्पायरेंट्स, फोर्थ जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। पहला न्यूज आइटम है बर्ड फ्लू, मैसूरू जू टू बी शट टिल फेब 2। सो जो मैसूरू जू है कर्नाटका में, उसे एक महीने के लिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो बर्ड्स की डेथ हुई थी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं मैसूरू जू में, तो यहाँ पे पॉन्ड में जो ये बर्ड स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ग्रे लैग गूज, ये जो बर्ड स्पीशीज थी, इनकी डेथ हो गई थी तो जू के पॉन्ड में। तो इनका यहाँ पे फियर था कि ये बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से डेथ हुई है। तो ये इसके लिए, इसके सैंपल्स को स्टडी करने के लिए भेजा गया था लैब्स में, और लैब्स की रिपोर्ट आई है कि ये एवियन इन्फ्लुएंजा ही था, तो इस वजह से डेथ हुई है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो H5N8 वायरस है, उस वजह से ये जो डेथ हुई है, तो ये जरूरी है कि इसको कंटेन किया जाए, वरना ये बर्ड्स में फैलता है और फिर बर्ड फ्लू की वजह से ह्यूमंस भी अफेक्ट होते हैं। तो ये बर्ड फ्लू जो पैंडेमिक हुआ था, मतलब ह्यूज एपिडेमिक अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, जो पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था 2006 के अराउंड, तो अब ये जरूरी है कि इसके बारे में अलर्ट रहा जाए, ताकि कोई भी सिम्टम्स दिखे ऐसे तो उसको इनिशियली कंटेन किया जाए, ताकि वो स्प्रेड ना हो। तो बर्ड फ्लू वायरस ह्यूमंस को भी अफेक्ट करता है फ्रॉम बर्ड्स, इट स्प्रेड्स ऑन टू द ह्यूमंस एज वेल, बट ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है कि नहीं उसकी क्लैरिटी नहीं है, पर ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जो ये बर्ड फ्लू वायरस है, ये वायरसेस काफी हाई लेवल पे म्यूटेट होते हैं। म्यूटेट होते हैं मतलब जेनेटिक म्यूटेशंस, उनके जीन्स चेंज होते हैं। तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अभी वो ट्रांसफर नहीं हो सकते फ्रॉम बर्ड्स टू ह्यूमंस, बट बिकॉज ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन चेंजेस, इट इज पॉसिबल दैट ये बाद में पास ऑन हो सके फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमंस एज वेल, सो दैट इट वुड बी कंटेजियस, इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंटेन इट। सो इसीलिए बर्ड फ्लू वायरस का स्प्रेड कंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है, अलर्टनेस इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैसूरू जू को भी क्लोज कर दिया गया है एक महीने के लिए, फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, टू स्टेरिलाइज द होल रीजन और इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे कंसर्न से, ये ह्यूमन की इम्यूनिटी इसके लिए वेल डेवलप नहीं है, तो काफी सारे जो इसके सिम्टम्स है और प्रॉब्लम्स है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है और डेथ्स हो जाती है इन केसेस ऑफ बर्ड फ्लू। सो इसीलिए इसका स्प्रेड कंटेन करना इम्पोर्टेंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है, आफ्टर शारदा स्कैम रोज वैली केम अंडर स्क्रूटनी। तो ये रोज वैली ग्रुप और शारदा ग्रुप जो थे, ये चिट फंड कंपनीज थी, इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स थी, जहां पे इन्वेस्टमेंट्स लिए जाते थे, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द पीपल। सो इवन रोज वैली ग्रुप थी, वो मेजरली रूरल एरियाज में फंक्शन करती थी, मतलब लोग उसमें अपना पैसा डाले, चिट फंड जैसे होता है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट, इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब लोग डालते हैं। तो क्यों इसमें चिट फंड में डालते हैं? क्योंकि इस पे जो रिटर्न मिलता है, जो अश्योर किया जाता है, वो काफी हाई होता है। मतलब आप अमाउंट डालो और इंटरेस्ट जैसे होता है, रिटर्न आर लाइक इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट आप क्वाइट हाई, मतलब आपको महीने महीने में भी पैसा दिया जाएगा, हाई अमाउंट, यू आर गिविंग इन ओनली से 1000 रुपीज, एंड यू एवरी मंथ यू बी गिवन 100 रुपीज, सो इन 11 months इट्स लाइक यू आर रिगेनिंग योर कैपिटल अमाउंट, प्लस योर कैपिटल अमाउंट इज ऑल्सो देयर, मतलब वो अमाउंट भी है कंपनी के साथ। तो ऐसे अश्योरेंसेस दिए जाते हैं, हाई रिटर्न्स की लालच दी जाती है, तो इस वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जब थोड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं, जब वो देखते हैं कि अच्छे रिटर्न्स और मिलते भी उनको, फिर वो रिटर्न स्टार्ट भी हो जाते हैं जल्दी से। लेकिन जब ये देखा जाता है कि अच्छे रिटर्न दे रहे, तो लोग और भी पैसा डालते हैं, काफी लोग अपना बहुत सारा पैसा डाल देते हैं। तो ये जो फंड्स होती है, ये अगर ये स्कैम है, तो ये क्योंकि चिट फंड्स, अगर ये मनी लेकर अगर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसका प्रॉफिट को रिटर्न्स दे रहे, उसका प्रॉफिट के अंदर से रिटर्न्स दे रहे, देन इट्स अ फंक्शनल सिस्टम, ये फंक्शन होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। लेकिन जो ये स्कीम्स होते हैं, इनको पोंजाई स्कीम्स कहते हैं, मतलब ये जो है, ये पोंजाई, मिस्टर पोंजाई थे इन अमेरिका, उन्होंने ये स्कैम किया था, तो इनके नाम पे, ये चार्ल्स पोंजाई के नाम पे पोंजाई स्कीम्स की कही जाती है इनको। तो ये कैसे फंक्शन करती है, मतलब आपने सबसे पैसा लिया, सब इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे, और ये छोटे छोटे अमाउंट से आपको मिल गया, अब वो लोग रिटर्न्स आप उनको दोगे, तो वो लोग और लोगों को बताएंगे कि भाई रिटर्न्स अच्छा मिल रहा है, तो और लोग इन्वेस्ट करेंगे। जब ये बात स्प्रेड होगी कि रिटर्न्स अच्छा मिल रहा है, और लोग आएंगे, तो जो नए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा आप पुराने लोगों को, वही पैसा आप उनका कैपिटल जो दे रहे, वही पैसा आप इंटरेस्ट की जैसे बाकी लोगों को दे रहे,
तो यहाँ से वहां पैसे सिर्फ यहाँ वहां फेरे जाते हैं, एक्चुअली कुछ दया जनरेट नहीं हो रहा है, कुछ बिजनेस नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो बट लोगों को हाथ में पैसा आता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो ये थोड़े टाइम तक चला के जब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, लोगों ने बहुत सारा पैसा डाल दिया क्योंकि अच्छा मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो कंपनी सारा पैसा लेके भाग जाती, तो एवरीबॉडी देन सफर्स, उनका रिटर्न्स भी बंद हो जाता है, उनका कैपिटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था वो भी चला गया। तो ये ऐसे ये फंक्शन करता है, या तो वो लोग भाग जाए, या तो फिर एक पॉइंट ऐसे आ जाता है जब उनके लिए सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाता है, वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं दे पाते जो वो लोग ने रिटर्न जो अश्योर किया था, और फिर ये पूरा स्कैम ओपन हो जाता है। तो ये होता है पोंजी स्कैम। तो यही स्कैम था शारदा स्कैम, और जो अभी रोज वैली स्कैम सामने आया, ये सारे पोंजी स्कैम्स है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई आर लुकिंग इनटू द मैटर। इवन द जो रोज वैली स्कैम में जो ये हेड है रोज वैली स्कीम के, उनको अरेस्ट भी किया गया है। तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, इन रीजन्स में थे, और इवन इन शारदा स्कैम भी बेसिकली वेस्ट बंगाल में थे। इसमें इवन तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी, उनके मिनिस्टर को भी अरेस्ट किया गया था। तो मदन मित्रा फर्स्ट मिनिस्टर थे जिनको शारदा स्कैम में, ये 2013 में सामने आया था, तब अरेस्ट किया गया था। तो ये सारा जो पॉलिटिकल अफिलिएशन भी है, तो इस वजह से पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है ऐसे ममता बनर्जी कहती है। बट अगर एविडेंसेस है सीबीआई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास, तो इनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। सो दिस इज द होल स्केल ऑफ द स्कैम। 200 प्राइवेट कंपनीज थी शारदा अम्ब्रेला के अंदर, 3500 करोड़ पैसा कलेक्ट कर चुके थे अब तक वो, 1.7 मिलियन इन्वेस्टर्स थे, 60 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर दिया जब ये स्कैम सामने आया, क्योंकि उनका पूरा पैसा डूब चुका था। तो देयर वर मेनी इन्वेस्टर्स हु हैव आल्सो कमिटेड सुसाइड, बिकॉज़ जो एजेंट्स भी थे, क्योंकि वो उनका भी नाम शामिल हो रहा था, तो वो भी सुसाइड कर चुके। तो ये सारा आप देख सकते कितने एजेंट्स इन्वॉल्व थे, 1 मिलियन प्लस एजेंट्स इन्वॉल्व थे, और लोगों ने भी सुसाइड किया क्योंकि वो पूरा इन्वेस्ट इसमें कर चुके क्योंकि अच्छा रिटर्न मिल रहा था। तो ये पूरा शारदा स्कैम, और अभी जो ये आ रहा है रोज वैली स्कैम है। तो प्रेजेंटली न्यूज यही है कि रोज वैली ग्रुप तो अभी वो इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दे रही थी, पेमेंट कंटिन्यू था, उन्होंने डिफॉल्ट अब तक नहीं किया था। शारदा स्कैम में तो डिफॉल्ट हो गया था और वो पूरा स्कैम सामने आया था, बट अब ये इन्वेस्टिगेशन चालू है, सुप्रीम कोर्ट भी इसको ओवरसी कर रहे हैं। तो वील सी आगे क्या रिजल्ट आता है, वो पता चलेगा। ये है रिगार्डिंग दिस पोंजी स्कीम्स। फिर अगला न्यूज आइटम है पोल पैनल कॉट इन अ टसल फॉर साइकिल। तो साइकिल जो है वो इलेक्शन सिंबल है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी में फिलहाल डिफिकल्टीज है, हम देख रहे हैं न्यूज में, जैसे मुलायम सिंह यादव ने, क्योंकि यूपी इलेक्शंस अभी शेड्यूल होने वाले, पोल डेट्स विल बी अनाउंस सून बाय इलेक्शन कमीशन। तो अभी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट दी गई है समाजवादी पार्टी लीडर जो है मुलायम सिंह यादव, उनके थ्रू वो लिस्ट तो अनाउंस हुई, प्लस उसके बाद द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जो मुलायम सिंह यादव के बेटे, उन्होंने अपनी अलग लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बाहर लाई। तो इस वजह से पता चल रहा है कि टसल्स है, सो दे ट्राइंग टू मेक अप, बट इट इज क्लियर दैट द पार्टी हैज स्प्लिट। तो ये स्प्लिट जो है, तो अब कौन सी पार्टी समाजवादी पार्टी ओरिजिनल पार्टी है जिसके पास मेजोरिटी ऑफ दी मेंबर्स है, तो उस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन सिंबल किसको मिलना चाहिए वो क्वेश्चन है। तो इलेक्शन कमीशन विल ओनली लुक इनटू द मैटर, वही देखेंगे कि इवन द जो पार्टी है उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोसीजर्स के हिसाब से भी क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो वो सब स्टडी करके इलेक्शन कमीशन फाइनली अपना डिसीजन देगी कि ये सिंबल किसको मिलेगा। बट क्योंकि पोल शेड्यूल अभी थोड़े दिनों में ही अनाउंस होने वाला है, तो इट इज डिफिकल्ट कि साइकिल सिंबल किसी को मिले, हो सकता है कि वो डिसीजन पेंडिंग रहे। तो हम देखेंगे अब आगे क्या होता है इन द इलेक्शंस टू एंड विद दिस। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इलेक्शन कमीशन का ये फंक्शन है अलोकेटिंग सिंबल्स, दैट इज वाई नोइंग अबाउट इट इज इम्पॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट न्यूज आइटम जो है वो है मणिपुर। मणिपुर सीएम एमएलएज रश टू मीट प्रणब। तो प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को मिलने के लिए मणिपुर के जो कांग्रेस एमएलएज है, अराउंड 40 कांग्रेस एमएलएज और चीफ मिनिस्टर, जो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है इबोबी सिंह, उन्होंने प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। द रीजन बीइंग दैट कि इलेक्शन शेड्यूल्ड है मणिपुर में भी, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है इलेक्शन कमीशन को कि
इलेक्शंस पोस्टपोन किए जाए. द रीजन बीइंग दैट जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड आपने न्यूज में पढ़ा भी होगा, हमने डिस्कस किया है, 1 नवंबर से नागा रिबेल ग्रुप जो है, नागा ग्रुप वहां पे, वो उन्होंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगाया हुआ है, नेशनल हाईवेज को ब्लॉक कर दिया है. तो मणिपुर इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज भी डिफिकल्ट हो गई है मिलना, और डिमोनेटाइजेशन आया एक हफ्ते बाद, वो और उसकी अलग डिफिकल्टीज है. तो उससे पहले ही उनके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट थी. तो इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट को हटाने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला मणिपुर गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट अक्रॉस इट्स फोर्सेस. सो ये सिचुएशन तो ईज हो रही है, पर फिलहाल होम मिनिस्ट्री ने कहा है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने, कि क्योंकि सिचुएशन ऐसी है इसलिए इलेक्शंस को पोस्टपोन किया जाए. तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शंस पोस्टपोन हो, तो इसीलिए वो ये डिस्कस करने के लिए प्रेसिडेंट के पास गए हैं. प्लस होम मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने सिर्फ अपना सजेशन दिया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का पावर है कि इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं कि नहीं. तो इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, सो इट शुड फाइनली डिसाइड वेदर इलेक्शंस कैन बी कंडक्टेड और नॉट, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स सजेशन. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस मैटर टू. सो ये एक पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए पूरा नागा ग्रुप्स का जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड है वो भी इसीलिए है क्योंकि मणिपुर ने 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस की थी. तो इसमें नागा जो पॉपुलेशन है वो डिवाइड हो जाता है, वो नहीं चाहते थे कि ऐसी नई डिस्ट्रिक्ट्स बने जिसमें नागा पॉपुलेशन का जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइड हो जाए. तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स के अनाउंसमेंट पे. तो ना न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को स्क्रैप किया गया है, उनके डिमांड्स भी नहीं सुने गए हैं, और सिचुएशन डिफिकल्ट हो रही है यहाँ पे. तो अब देखेंगे और मणिपुर के बारे में न्यूज आएगी, तो ये बैकग्राउंड पता होना चाहिए. अगला न्यूज आइटम है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्स लिस्ट्स ऑफ फर्म्स विद डेट्स ओवर ₹500 करोड़. तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि हमें सारा लिस्ट ऑफ कंपनीज की लिस्ट दो, जो भी कॉर्पोरेट्स है जिनका डेट 500 करोड़ से ज्यादा है. क्योंकि अब देखते हैं कि काफी बैंक्स के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, NPS जैसे कहते हैं, या बैड लोन्स है, जो मतलब वो लोग लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट भी नहीं रीपे कर पा रहे, तो उसको NPS कहते हैं. तो इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो डेट्स है उनको रिकवर करना होता है, तो इसीलिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स होते हैं, DRTs. तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज, मतलब वो जुडिशियल फंक्शन करते सेपरेट होती है. तो वो भी सब जो जुडिशियल फंक्शनिंग है वैसे ही होता है, वो ये केसेस डेट रिकवरी के केसेस सुनती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमें वो सारे डेटा दो, वो सारे लिस्ट ऑफ केसेस दो जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है पिछले 10 सालों से. तो यहाँ पे भी ह्यूज लैग है. तो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है इसकी डिटेल्स, एंड गवर्नमेंट को उन्होंने कहा है कि ये सारा डिटेल रिपोर्ट उनको दिया जाए. तो उन्होंने कहा है कि एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछ रही है गवर्नमेंट को कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर है, क्या वो सफिशियंट है डेट रिकवरी के लिए कि और रिक्वायरमेंट है, तो उसके ऊपर भी स्टेटमेंट दिया जाए. प्लस उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स किए गए मानसून सेशन में, तो लॉज अमेंडमेंट लॉज पास हुए हैं टू गिव मोर पावर्स टू द बैंक्स कि वो डेट इजिली रिकवर कर सके, तो वो भी इफेक्टिव है कि नहीं, क्या इतना स्ट्रेंथन कर पाएगी कि अभी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बर्डन काफी हाई है. तो इवन सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग इनटू दिस मैटर. तो ये सामने आ रहा है. तो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के पावर्स है, जैसे एग्जामिनिंग अंडर ओथ, फिर एविडेंस देना, विटनेसेस का एग्जामिनिंग करना, और फिर अगर डिफॉल्ट है तो इवन टेम्पररी स्टे किया जाए और टेम्पररी इंटरिम ऑर्डर्स पास किए जाए, और इवन डिबार कर सकते कि जो डेथ का सिक्योरिटी है, जो डेथ की प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है, उसको विदाउट द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल आप बेच नहीं सकते, नो ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो ये सारे ऑर्डर्स भी, इंजंक्शंस भी दिए जा सकते. तो ये डेथ रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के पावर्स है. और जो ये रिसेंट मानसून सेशन में जो चेंजेस अमेंडमेंट्स आए हैं, तो जो लॉज है, जैसे सरफाइजी एक्ट है, सरफाइजी एक्ट ऑफ 2002, तो ये लॉ जो है ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पावर देता है कि जो एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी आप ऑक्शन कर सकते हैं. अगर डेट्स लोन्स रीपे नहीं हो रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी ऑक्शन कर सकते हैं, उस पावर वो पावर देता है ये एक्ट. तो इधर भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं कि और स्ट्रेंथन किया जाए बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो अपना डेट रिकवर कर सके और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो. तो अभी भी जो न्यू लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, तो ये है कि अगर कंपनीज पे नहीं कर पाती लोन्स डेट्स, तो वो कंपनीज को टेक ओवर कर सकते बैंक्स. तो ये पावर भी दिया गया है. तो बैंक्स मतलब वो डेट सिक्योरिटी बन जाएगी, मतलब आप स्टेक होल्डर बन जाओगे कंपनी में.
पर देन उसमें भी कंसर्न्स है कि अगर कंपनी नहीं रीपे कर पा रही है तो कंपनी में इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम होगा तो बैंक्स उसको कैसे हैंडल करेगी, तो वो कंसर्न्स भी है. दैट्स व्हाई इट्स नॉट इजी, दैट रिकवरी इज नॉट इजी, बट स्टेप्स आर बीन टेकन. फिर अगला न्यूज आइटम है, नो कंसेशन लाइकली फॉर एप्पल्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. सो एप्पल जो स्मार्टफोन कंपनी है जो आईफोन आईपैड बनाती है, उनको इंडिया में अपना बेस स्टार्ट करना है, तो वो सिंगल ब्रांड एफडीआई रिटेल देख रहे हैं कि एक रिटेल आउटलेट, सिंगल ब्रांड रिटेल आउटलेट वो अपना इंडिया में एस्टैब्लिश करे. और बेंगलुरु में वो इसलिए कंसिडर भी कर रहे हैं कि बेंगलुरु में ऐसा यूनिट एस्टैब्लिश किया जाए. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि 30% लोकल सोर्सिंग हो, क्योंकि सिंगल ब्रांड रिटेल इन एफडीआई के लिए ये नॉर्म है. अगर आपका एफडीआई 51% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है आपका, मतलब मोर देन 50%, उन केसेस में आपको 30% लोकल सोर्सिंग करना होगा. पर 30% लोकल सोर्सिंग फ्रॉम यू नो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, रूरल विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह से, तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए नहीं होता है. मतलब अगर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आप केटर कर रहे हो तो ये नॉर्म को 30% लोकल सोर्सिंग नॉर्म को रिलैक्स किया जा सकता है, और एप्पल कंपनी यही डिमांड कर रही है. पर गवर्नमेंट ने कहा है कि और काफी सारी मोबाइल कंपनीज ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया इंडिया में, पर किसी ने ये नॉर्म का रिलैक्सेशन नहीं मांगा है, तो इस केस में भी हम क्यों दे, तो वो गवर्नमेंट कीन नहीं है कि कोई रिलैक्सेशन दिया जाए. बट एप्पल कटिंग एज टेक्नोलॉजी में केटर करता है कि नहीं वो क्वेश्चन है, बिकॉज इट मैन्युफैक्चर्स हाई एंड मोबाइल फोन्स, वो तो है. एंड इंडिया इज अ ह्यूज हब, इट्स अ लार्ज मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स टू, तो यहाँ पे उनको एस्टैब्लिश करने में उनको फायदा तो होगा ही, उनको ह्यूज मार्केट मिलेगा. तो क्या ये रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्या ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक्चुअली है कि नहीं, तो इसके ऊपर सेंटर गो थ्रू कर रही है, वो क्लियर गाइडलाइंस लाएगी कि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी एक्चुअली पूरा डिटेल क्या हो, क्या कैटेगरीज होगी जो इसमें आएगी, और क्या उसके लिए एप्पल के लिए भी क्या होगा. तो ये हम इसके बारे में और भी न्यूज में आएगा तब पता चलेगा. तो वही है, तो ये 30% रूल है, सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड. मल्टी ब्रांड रिटेल मीन्स कि एक ही एक कंपनी एस्टैब्लिश की गई जो काफी सारे ब्रांड्स अंडर वन रूफ सेल करती है, जैसे कि वॉलमार्ट है, तो दैट इज मल्टी ब्रांड रिटेल. तो मल्टी ब्रांड रिटेल में भी 30% लोकल सोर्सिंग नॉर्म है, और ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी के बारे में है. तो ये ग्रे एरिया है जिसके बारे में अभी हमको डिटेल्स क्लियर क्लैरिटी चाहिए एफडीआई पॉलिसी में कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेफिनेशन क्या होगा. देन नेक्स्ट न्यूज आइटम इज डायमंड कॉन्ट्रैक्ट सेट टू डेब्यू सून इन इंडिया. सो कमोडिटी एक्सचेंजेस है इंडिया में, कमोडिटी एक्सचेंजेस लाइक जो एक्सचेंज है जैसे BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे कमोडिटी एक्सचेंजेस भी होती है. तो यहाँ पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज किए जाते हैं. कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है अब समझेंगे. तो ये ICEX कमोडिटी एक्सचेंज है, ये रिलायंस कैपिटल के प्रमोटेड एक्सचेंज है. तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ये पॉलिश डायमंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे. तो गवर्नमेंट ने सितंबर 2016 में अलाव किया है 6 न्यू कमोडिटीज जो ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स पे. तो ये है डायमंड, टी, एग्स, कोकोआ, पिग आयरन एंड ब्रास. तो इसीलिए डायमंड, पॉलिश डायमंड्स का कमोडिटी एक्सचेंज स्टार्ट होगा. SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, पर अब फाइनल अप्रूवल पेंडिंग है. तो फाइनल अप्रूवल आने के बाद ये स्टार्ट होगा और इंडिया फर्स्ट कंट्री होगी वर्ल्ड में जो पॉलिश डायमंड्स कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड स्टार्ट करेगी. तो ये एक इनिशिएटिव है, इसीलिए ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस भी नहीं है डायमंड्स का. तो गोल्ड सिल्वर के ग्लोबल बेंचमार्क प्राइसेस होते हैं, बट जो डायमंड पॉलिश डायमंड्स है उनका कोई ग्लोबल बेंचमार्क प्राइस नहीं है. और ये एक्सचेंज कह रही है कि हम इसमें पायनियर करेंगे, हम बेंचमार्क प्राइसेस सेट करेंगे. तो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ डायमंड्स आफ्टर US एंड चाइना, बट इट हैज अ लार्ज शेयर, इट हैज द लार्जेस्ट शेयर इन डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग. मतलब काफी डायमंड कटिंग पॉलिशिंग सब इंडिया के थ्रू ही मेजरली होता है. तो इसीलिए डायमंड ट्रेडिंग में इंडिया का मेजर स्टेक है. तो इसीलिए डायमंड कमोडिटी एक्सचेंज स्टार्ट किया जा रहा है. अब ये कमोडिटी एक्सचेंज क्या होता है वो हम समझते हैं. तो कमोडिटी ट्रेडिंग इट्स एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो. तो आप इन्वेस्टमेंट जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो वो होता है आप ऑनलाइन एक यूनिट खरीद रहे हो. तो आपके पास सच में कमोडिटी नहीं आती है, बट आप एक यूनिट खरीद रहे हो, वो यूनिट की वैल्यू है.
तो इसीलिए कमोडिटी, सिमिलरली कमोडिटी ट्रेडिंग में भी आपके पास यूनिट, एक कमोडिटी डेरिवेटिव कहा जाता है उसको. तो डेरिवेटिव मीन्स इट्स वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम दी अंडरलाइंग कमोडिटी. तो कमोडिटी के अगर इसके इसमें एग्जांपल डायमंड है, तो डायमंड के वैल्यू के बेसिस पे ही ये कमोडिटी डेरिवेटिव का वैल्यू होगा. तो डायमंड कमोडिटी एक्सचेंज डेरिवेटिव बनाया जाएगा, तो एक यूनिट का इतना वैल्यू ऐसे करके होगा. तो इवन जो इन्होंने स्टार्ट किया वो भी काफी नो वेरी लेस सेंट्स के बेसिस पे, इवन 1500 में भी आप एक यूनिट खरीद सकते हो. ऐसे उनका प्लान है ICEX का स्टार्ट करने के लिए. तो ये आप कमोडिटी डेरिवेटिव खरीदोगे, तो जैसे डायमंड की वैल्यू चेंज होगी, प्राइस चेंज होगी, वैसे ही आपके एक यूनिट की वैल्यू भी, कमोडिटी डेरिवेटिव की वैल्यू भी चेंज होगी, इंक्रीज होगा वहां तो यहाँ इंक्रीज. सो इट्स वैल्यू इज डिराइव, इट्स लिंक्ड कनेक्टेड. तो आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो जब वे यू इन्वेस्ट, कि अगर आपको लगता है कोई कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आप अभी खरीदोगे, जब इंक्रीज होगी उसको आप बेचोगे तो आपको बीच में प्रॉफिट मिलता है. अगर डिक्रीज होने वाली है आपको लगता है तो आप बेच दो, तो वो इंक्रीज डिक्रीज पे ही, वो स्पेक्युलेशन पे ये पूरा होता है कि स्पेक्युलेट करते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो वो कमोडिटी ट्रेडिंग होता है. तो राधर देन एक्चुअली बाइंग द एक्चुअल कमोडिटी, यू कैन जस्ट बाय द डेरिवेटिव एंड बेस्ड ऑन द प्राइस चेंजेस इंक्रीज देयर यू कैन बेनिफिट, यू कैन प्रॉफिट. सो ये पूरा कमोडिटी डेरिवेटिव होता है. तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग एक्चुअली बेनिफिशियल है सम केसेस, लाइक गोल्ड सिल्वर, इनका कमोडिटी ट्रेडिंग काफी हाई होता है. तो इसकी वैल्यूज डिटरमिन की जाती है मंथली बेसिस पे भी, ये आता है वैल्यू चेंज होती है, तो उस बेसिस पे मार्केट्स पे इसका एक्सचेंज होता है. तो जैसे ये एग्जांपल दिया गया है कि क्यों कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहिए. तो जैसे आप गोल्ड लोग बाय करते, तो गोल्ड क्यों बाय करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ये होता है कि गोल्ड प्राइस आगे इंक्रीज होगा तो हमको प्रॉफिट होगा, तो इसीलिए वो अभी गोल्ड बाय करना चाहते हैं. पर आप गोल्ड बाय करोगे तो आपको वो श्योरिटी होनी चाहिए कि जो आप गोल्ड बाय कर रहे हो वो प्योर गोल्ड है, उसकी कितनी प्योरिटी है. तो वो आपको टेक्निकली क्वालिटी नहीं पता, तो आपको ड्यूप भी किया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है. प्लस सेकेंड केस है कि आपने गोल्ड बाय कर लिया तो उसकी सिक्योरिटी, वो भी आप कंसर्न होता है कि आप वो अगर चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो वो सिक्योरिटी इश्यूज भी होते हैं उसके लिए, कि आपको सेफ एंड सिक्योर रखना है उसको. तो रादर देन बाइंग गोल्ड एक्चुअली यू बाय द कमोडिटी डेरिवेटिव. तो आपको जितना गोल्ड चाहिए उतना वैल्यू गोल्ड आप उसका डेरिवेटिव ले लो, तो आपके पास एक यूनिट है सिर्फ वो ऑनलाइन, तो उसके बेसिस पे आप फिर उसको इंक्रीज, यूनिट्स इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो. तो अगर गोल्ड प्राइस इंक्रीज होगी तो आपके पास जितनी यूनिट्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आप वो पॉइंट पे जब सेल करोगे तो आपको वो प्रॉफिट मिलेगा. तो इसीलिए कमोडिटी ट्रेडिंग होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स बेस्ड ट्रेडिंग होता है. तो ये है. फिर लास्ट न्यूज आइटम है की प्रोटीन्स दैट मेक जीका वायरस सो डेडली आइडेंटिफाइड. सो जीका वायरस काफी स्प्रेड हुआ था 2015 में, मेजरली साउथ अमेरिका एंड ब्राजील में मेजरली ये पाया गया. तो काफी सारे इन्फेक्शन, जीका वायरस इन्फेक्शन. सो ये जीका वायरस है, ये वायरस भी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से ही मेजरली पास ऑन होता है. तो ये जो डेंगू चिकनगुनिया है वो भी एडिस इजिप्टी मॉस्किटो से होते हैं, और जीका वायरस भी. तो ये जीका जो है एक फॉरेस्ट है, जीका फॉरेस्ट युगांडा में. तो यहाँ पे ये डिजीज पहले डिटेक्ट की गई थी 1940s में, और फिर अब ह्यूमन ट्रांसमिशन अब काफी स्प्रेड हुआ है 2015 में. तो उसका रीजन भी क्या है वो भी स्टडी किया जा रहा है. प्लस ये जीका वायरस इतना लीथल क्यों है, क्योंकि इसकी इसकी वजह से काफी सारे नो अबनॉर्मलिटीज पाई जा रही है कि पीपल जो अफेक्ट हो रहे हैं जीका वायरस से, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्टेड है जीका वायरस से, तो जो वो लोग चिल्ड्रन डिलीवर करते हो वो उनको काफी सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, माइक्रोसेफेली जो है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. ये माइक्रोसेफेली वन मेजर डिजीज है जो न्यूबॉर्न्स सफर कर रहे हैं. ब्राजील में हम देख रहे हैं काफी सारे केसेस है ऑफ माइक्रोसेफेली. तो ये यहाँ है. तो इसमें नॉर्मल हेड साइज से कम हेड साइज होता है, ब्रेन डेवलपमेंट इम्पेयर्ड होता है. तो ये इन्फेंट्स डिजीज है, माइक्रोसेफेली कहते हैं, जो जीका वायरस की वजह से होती है. और जो एडल्ट है, एडल्ट पॉपुलेशन में एक गुलियन बेयर सिंड्रोम पाया जाता है. तो ये डिसऑर्डर है पेरिफेरल नर्व्स का. तो नर्वस सिस्टम जो नर्व्स है, ये नर्व्स अफेक्टेड होती है. तो नर्व्स ऑल ओवर द बॉडी में होती है, कि जो ब्रेन से यू नो मोटर सेंसेस के लिए वगैरह के लिए ये नर्व्स यूज होती है. तो ये जो पेरिफेरल नर्व्स है वो अफेक्ट होने की वजह से आपका मोटर मूवमेंट अफेक्ट होता है, बॉडी मूवमेंट, नमनेस आ जाती है आर्म्स लेंग्स में, इवन लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाता है काफी सारे केसेस में. तो ये पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट किए करने वाली ये डिजीज है. तो ये सारा जीका वायरस की वजह से होता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट ये डिजीज समझी जाए. तो ये कैसे स्प्रेड होता है, क्योंकि इसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो वो पॉइंट है. ये जो है मैप दिखाता है कि यहाँ जीका वायरस अभी जो 2015 में रिपोर्ट हुआ है, तो यहाँ पे ये यूएसए में,
ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये अलास्का है, यूएसए का ही पार्ट, ऑस्ट्रेलिया यूएसए, प्लस जो मेजर एक्टिव ट्रांसमिशन हुए है वो साउथ अमेरिका मैक्सिको में यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे जीका वायरस अफेक्ट हुआ है। और प्रायर टू दिस 2015, अभी करंट रिपोर्टिंग, पहले जो ट्रांसमिशन रिपोर्ट हुए वो अफ्रीका से मेजरली रिपोर्ट हुए, इंडिया पाकिस्तान यहाँ पे, और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह, तो यहाँ पे ये जीका वायरस पहले पाया गया है। पर अभी जो स्प्रेड हो रहा है वो ये पैसिफिक रीजन में स्प्रेड हुआ है। तो इसका रीजन भी क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है वो सब समझने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया गया है कि जो जीका वायरस का जीनोम है, पूरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उसको स्टडी किया गया है, और जो 7 की प्रोटीन्स है जो ये वायरस को इतना डेडली बनाती है उसको आइडेंटिफाई किया गया है। अब फर्दर रिसर्च चाहिए इसको समझने के लिए, इसके लिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए, और इसको इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि फिलहाल ट्रीटमेंट वैक्सीन नहीं है इसके लिए। तो ये है आज की लास्ट न्यूज़। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।